नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord CE 4 5G versus Samsung Galaxy A14 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो CE 4 5G में 6.4 इंच जबकि A14 5G में 6.6 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो CE 4 5G में 2.96 इंच जबकि A14 5G में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो CE 4 5G में 0.33 इंच जबकि A14 5G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि CE 4 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो CE 4 5G में 186 ग्राम्स जबकि A14 5G में 201 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि CE 4 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो CE 4 5G में AMOLED जबकि A14 5G में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो CE 4 5G में 20:1:9 जबकि A14 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो CE 4 5G में 6.7 इंचेस जबकि A14 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन CE 4 5G में 1080x2412px FHD+ और A14 5G में 1080x2408px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो CE 4 5G में 88.57% जबकि A14 5G में 80.4% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो CE 4 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A14 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो CE 4 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और A14 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो CE 4 5G में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A14 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो CE 4 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और A14 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो CE 4 5G में Adreno 720 जबकि A14 5G में Mali G68 MP2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो CE 4 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और A14 5G में Samsung Exynos 1330 मिलता है। बात करें RAM की तो CE 4 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि A14 5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो CE 4 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि A14 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो CE 4 5G में Android V14 जबकि A14 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी CE 4 5G में 5500 mAh जबकि A14 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो CE4 5G में दो कलर्स जबकि A14 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो CE4 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,993 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A14 5G की तो उसमें चार वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus Nord CE4 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करते हैं Samsung Galaxy A14 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में CE4 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में CE4 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G04 4G है, दूसरा Tecno Camon 35G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।